नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी पाछो आप सौनो वीडियो लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 8.4 त्रिकोणमिति परिचय जेम आप दाखला 5 पहलो बीजो तीजो और चौथो आप एटला पॉइंट सुधी अपने अभ्यास कर गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने आज 5मा पॉइंट अभ्यास करीशू। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों अपन एवं पूछे कि कोसेके माइनस साइने प्लस वन अपॉन कोसे प्लस साइने माइनस वन बराबर अपने साबित करवानु छे कोसेक ए प्लस कोट ए। आवु अपने साबित करवानु छे कोसेक ए प्लस कोट ए। तो विद्यार्थी मित्रों अपने कोसेक अने कोट जोईए छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ दाखला में थोड़ूक ध्यान राखशो कारण के अपने थोड़ूक अमे याद रखव पड़े और आ दाखिल बोर्डनी अंदर पण पूछाई गयेलो छे। जो कि आमांथी आ 10 पॉइंट मांथी मोटा भागना दाखला बोर्ड की परीक्षा में जूनी टेक्स्टबुक में पण छे अने पूछाई गयेला छे तो खूब ज अगत्यना है। आ दाखिल बोर्ड की परीक्षा में पूछायेलो है। तो विद्यार्थी मित्रों आम थोड़ूक ध्यान आपसू अपने अँ कोसेक अने कोट है। तो कोसेक अने कोट आप जोता है तो कोट जोत हो तो आप अँ दरेक पद ने साइन वडे भागवू पड़े बराबर। तो पहलू ज आप लखशू कि दरेक पद ने साइन ए वडे भागता। शा माटे विद्यार्थी मित्रों साइन ए वडे भेगा? तो अँ जो कोट जो है कोट क्यारे मळे तो कोस अपन साइन हो तो कोस अपन साइन है कोट थाय एटला माटे दरेक पद ने साइन ए वडे भागता। विद्यार्थी मित्रों आवुं एक उदाहरण पण छे, आ दाखलो गणीजे पछी आप उदाहरण पण आपणी जाते आपनी रीते गणी शकशो। तो विद्यार्थी मित्रों दरेकना छेद में आपणे साइन ए मूकवाना थशे तो अहींया कोस ए अपोन साइन ए माइनस साइन ए अपोन साइन ए प्लस वन अपोन साइन ए। दरेक पद ने साइन वडे भागवाना छे छेद में पण कोस ए अपोन साइन ए प्लस साइन ए अपोन साइन ए माइनस वन अपोन साइन ए। तो विद्यार्थी मित्रों अँ तुम जोई सको मैं बराबर कह रहा था त्यां छे ए आडी लीटी गाड़ी अंश ने छेदनी तुम जोई सको दरेक पद ने साइन वडे भागी नाख्या छे। चलो कोस अपोन साइन तो तमने ख्याल होवो जोईए कोस अपोन साइन एटले शुं थशे कोट ए। साइन साइन ए बे उड़ी गया साइन साइन उड़ी जाए साइन ए एटले अहींया केटला वधशे विद्यार्थी मित्रों वन वधशे। वन अपोन साइन एटले शुं थशे विद्यार्थी मित्रों कोसेक ए। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों छेद में कोस अपोन साइन तो कोस अपोन साइन शू थे पाछू फरी पाछू कोटे फरी पाछा साइन साइन अँ उड़ी गया तो त्या के वे विद्यार्थी मित्रों वन वे अने त्यारबाद अँ अपने माइनस आप माइनस वन अपोन साइन कोसेके। तो विद्यार्थी मित्रों तब जो कोट और कोसेक में फरी गए पे तो आटल जो है कोसेके प्लस कोटे। तो विद्यार्थी मित्रों अँ पे कोसेक है पची कोट है तो आप ए रीते गोठवीए पे कोसेक ने पची कोट बराबर। हूँ अँ जमणी बाजू जो काम करो जो कोसेक ने कोट तो पे कोसेक लखी अपने कोसेके प्लस कोटे और माइनस वन छेले जवा दे माइनस वन छेद में एज रीते अपने गोठवीए बराबर। छेद तो पद चालशे कारण के अपने उड़ाड़ो छेद तो जो तो नहीं छेद पद तो एमने लखशू तो चलते कारण के एवं अपने छेद ली आशूँ छेद एनी साथे उड़ी जाए छेद में अपने कहीं फेरफार करता नहीं। हवे विद्यार्थी मित्रों खास अगत्यन है कि तमने एम सूचन लिखू है जुओ तमें कि सूचन में एवं लिखू है कि कोसेक स्क्वेर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वेर ए सूत्र उपयोग करो। तो विद्यार्थी मित्रों आ सूत्र अपने उपयोग करो जो आपने कीधु कोसेक स्क्वेर ए वन प्लस कोट स्क्वेर ए ना सूत्र उपयोग करो। तो तुम जो कोटेक कोट स्क्वेर ने आ बाजू लो तो के माइनस अपनी पास आ सूत्र है कोसेक स्क्वेर माइनस कोट स्क्वेर ए बराबर वन। आपनी पास सूत्र है कोसेक ए माइनस कोट स्क्वेर बराबर वन। तो तुम जो विद्यार्थी मित्रों आ वन जो है अँ वन आ वन की जगह हूँ किंमत मूकु छु कई किंमत मूकु छु आ कोसेक माइनस कोट कारण के आना बराबर वन है आज किंमत केम मूकी तो आनी अंदर आप कोसेक कोटनी बात करें तो आम सेक टेन के बीजे है ये तो किंमत मुकाती नहीं कारण के अपनी पास सूत्र ज कोसेक कोटवाड़ू है और आप साबिती पर कोसेक कोटनी जोईए छे एटले आ वन जगह हूँ आ लखी सकूँ कोसेक स्क्वेर ए माइनस कोट स्क्वेर ए सूत्र उपयोग करने कीधु विद्यार्थी मित्रों ते पाठ्यपुस्तक में जोई पण सको। तो विद्यार्थी मित्रों अँ हूँ मूकी सकूँ सूत्र कोसेक ए प्लस
कोट ए माइनस अँ हूँ मोटो काउंस करीश कारण के एक जगह हूँ आ सूत्र लखू छू क्यू सूत्र लखू छू कोस एक्स स्क्वेर ए माइनस कोट स्क्वेर ए कारण के अपनी पास सूत्र है ज आ काउंस आपने आनी किंमत मूकेली है वन की किंमत बार थी मूकेली है खास ध्यान रखो विद्यार्थी मित्रों आ एक दाखिल एवं है कि वन की किंमत आप मूकीने सादुरूप आपव पड़े शाटे वन की किंमत बार थी मूकवी पड़ी ए हम तब जी सकसो कारण के आपद है उड़ाड़वो छेदनी आप जरूर नहीं कारण कि एक वस्तु अंश साबित करवाद में तो कहीं आप रखवा तो एना जो पद पर जो है उड़ाड़ आखे आपने अँ वन की किंमत आप मूकवी पड़ी है त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों आप जी सको आ सूत्र ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर तो एना के अंश थे बे अंश थे ए माइनस बी ने ए प्लस बी एट शुरुआत पद अमी नमज कोस एक ए प्लस कोट ए माइनस आना बे अंश था पेलो काउंस कोस एक ए प्लस कोट ए ए प्लस बी अने ए माइनस बी कोस एक ए माइनस कोट ए के बे अंश था विद्यार्थी मित्रों आना क्या सूत्र प्रमाण बेसता हे तो यह सूत्र पर तमने ख्याल होवो जोईए ये सूत्र क्यों तो कि ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर ए माइनस बी ए प्लस बी तो आ ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर तो ए माइनस बी ए प्लस बी एक वक्त प्लस ने एक वक्त माइनस जे मैं बीजा काउंस में अँ दर्शाला जे ते जी सको विद्यार्थी मित्रों छेद एमनेम ज लखशू आपदनी अंदर कोट ए प्लस वन माइनस कोस एक हवे विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखो जो आप कोसेक अने कोट जोईश तो कोसेक अने कोट अहीं छे जो तमे कोसेक अने कोट अहीं छे अने कोसेक अने कोट अहीं छे तो आ बन्ने पदमांथी आ सामान्य काढ लई एक वक्त सामान्य काढ लई तो सामान्य काढीए तो हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए तो बीजा काउंसमां शुं वधशे अहींथी आखू सामान्य निकळी गयुं एटले शुं वधशे वन माइनस आ काउंस वध्यो पण आगळ माइनस छे तो आ बेनी दिशानी बदली जशे एटले माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए थी जैसे फरी पाछो विद्यार्थी मित्रों केम लिखू तो आ बेय में सामान्य है आ बेय में सामान्य एटले केटली वार लखे एक वार तो आ बीजा काउंस में शुं वध्युं आ आखो सामान्य निकळी गयो एटले वन वधे माइनस ना माइनस आ काउंस वध्युं पण आगळ माइनस आव्यो तो बेयनी निशानी बदले आ माइनस थी जैसे ना प्लस थी जैसे हवे आपणे जोईए छेदमां कोट ए प्लस वन माइनस कोस एक तो विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको छो आ काउंस ने आ काउंस सरखो छे जो तमे कोट ए माइनस कोसेक माइनस कोसेक वन ना वन आखो काउंस सरखो है गुणाकार की अंदर है आ काउंस पण अलग है आ काउंस पण अलग है तो आ आखो काउंस शू थशे विद्यार्थी मित्रों उड़ी जाए तो खाली शू वध्यू कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर जब्बा तो विद्यार्थी मित्रों एकदम इजी और सरल दाखिल है फरी पाछो आखो दाखिल तमने समझा थोड़ो कद में दाखिल मोटो थे बे वस्तु तमारे एक याद रखी पड़ से एक दरेक पद ने साइन ए वड़े भागवा शा माटे साइन ए वड़े भागवा तो कि आपणे कोसेक अने कोट जोईए छे तो कोस अपोन साइन होय तो कोट मळे एटले दरेक पद ने मैं साइन वड़े भेगा छ छ पद ने एटले आपणी पासे आवुं मळ्युं कोट माइनस वन ने कोसेक कोट प्लस वन ने माइनस कोसेक हवे मैंने गोठव्या कई रीते गोठव्या तो आप पहला हूँ जो तो कोसेक अने कोट एटले मैं आगे कोसेक कोट ने छेले वन जवा दीधा छेद तो आप उड़ाड़ो तो छेद में कहीं गोठवन जरूर नहीं पछी मैं वन की किंमत मूकी शू वन की किंमत मूकी कोसेक स्क्वेर माइनस कोट स्क्वेर हूँ दर वक्त ए के थीटा नहीं बोलते आ पाठ्य पुस्तक में कीधु तुम जुओ कि आ सूत्र उपयोग करो तो वन की जगह मैं आ किंमत मूकी अँ केम मूकी तो कि अंश में मूकू तो छेद में उड़े नहीं साथ अंश में छेद में केम वन की किंमत मैं न मूकी तो छेद में तो आप कहीं जोत नहीं छेद तो आप उड़ाड़ी नाखो मैं अंश में किंमत मूकी हम आना बे काउंस थे एक वक्त प्लस ने एक वक्त माइनस एम प्लस वालों काउंस सामान्य कही दो बीजा बदा पद बीजा काउंस में पीरा तो बीजो काउंस और छेदनों काउंस जो सामन आया ये काउंस उड़ी गया कारण के आखू गुणाकार में जो आ गुणाकार में आखू पद गणाय हाँ एक एक पद न उड़े विद्यार्थी मित्रों तो खास ध्यान रखो आखो काउंस सरखो ऊपर नीचे हो तो उड़े तो अँ आखो काउंस ऊपर नीचे सरखो है पर क्रम आडाहोड़ा लखेला काउंस सरखो है आखो बराबर है तो ये उड़ी गया तो कोसेक प्लस कोट ए वैधा बराबर जब्बा छेले फरी पाछू डाबा बराबर जब्बा लखवानू अने नीचे रकम पण लखवानी ए आप अपनी नोटबुक में नोंध करशो तो विद्यार्थी मित्रों एकदम इजी ने सरल दाखलो छे बे थी त्रण वखत लखशो तो आवड़ी जाशे त्यारबाद आपणे दाखला नंबर 6 जोईए
छठा दाखला ने अपने रकम जो है विद्यार्थी मित्रों तो आपने रूट नी अंदर वन प्लस साइन अने वन माइनस साइन आप छठा नी अंदर तब रकम में जोई सकसो कि तमने कई क्लू नहीं आपेलो पण आपणे हमणां क्लू लखीए छीए अने बोलीए पण छीए के रूटनी अंदर वन प्लस साइन अपोन वन माइनस साइन ए आवुं आपणने आपेलुं छे अने साबित करवानुं छे sec a प्लस टेन ए sec a प्लस टेन ए आवुं आपणे साबित करवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ दाखलो पण ईजी अने सरळ छे अने बोर्डनी परीक्षामां पूछायेलो छे। अहींया विद्यार्थी मित्रों एक ज वस्तु खाली याद राखवानी छे रूट वाळो दाखलो एक ज छे छेदनो अनुबध लेता। चलो विद्यार्थी मित्रों अनुबध एटले शुं याद करो जी तो के छेदनो एवुं ज पद पण निशानी विरुद्ध ऊपर नीचे गुणवाना। पहले तो छे ए पद लखी नाखी वन प्लस साइन ए अपोन वन माइनस साइन ए गुणा छेदनो अनुबध तो आज पद लेवानुं पण निशानी केवी लेवानी विरुद्ध એટલે શું થાય વન પ્લસ સાઈન એ અપોન વન પ્લસ સાઈન એ અંશ અને છેદને છેદના અનુબધ વડે ગુણો છેદનો અનુબધ લેતા આકલું લખી નાખજો અનુબધ લેતા છેદનો અનુબધ લેતા અનુબધ એટલે શું ફરી પાછું એ જ પદ પણ નિશાની કેવી લેવાની વિરુદ્ધ પ્લસ માઇનસ છે તો કેવી લીધી પ્લસ અંશ અને છેદ બંનેને ગુણ્યા એટલે આપણે કંઈ ઉમેરેલું કહેવાય નહીં ખરેખર આ તો ઉડી જાય ખરેખર તો પછી શા માટે મૂક્યું તો ફરી પાછું યાદ કરો સાદું રૂપ આપવા માટે sec અને tan જોઈશે એટલા માટે ઇઝી અને સરળ પર એટલા માટે માટે છેદનો અનુબધ લીધો છેદનો અનુબધ લીધો તો હવે અંશ અંશનો ગુણાકાર થાય અને છેદ છેદનો ગુણાકાર થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અંશ અંશનો ગુણાકાર થાય તો વન પ્લસ સાઇન એ હોલ સ્ક્વેર થશે અને અહીંયા શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પ્લસ બી એ માઇનસ બી એટલે શું થાય એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર એટલે વન માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એ થશે। फरी पाछ छेद में तब जी सको विद्यार्थी मित्रों अंश तो एम नाम राखिए वन प्लस साइन ए छेद में होल स्क्वेर छेद में वन माइनस साइन स्क्वेर थीटा याद करो जी वन माइनस साइन स्क्वेर थीटा एटले शुं थाय विद्यार्थी मित्रों कोस स्क्वेर थीटा वन माइनस साइन स्क्वेर एटले शुं थाय कोस स्क्वेर। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया वर्ग अने वर्गमूळ जशे अहींया अने वर्ग वर्ग अने वर्गमूळ जशे एटले शुं थशे वन प्लस साइन ए अपोन कोस ए थाय कारण के वर्ग और वर्गमूल बे कैंसल थी जाए आग और वर्गमूल बने कैंसल थी जाए एट वर्ग बी जगह थी निकली जाए अँकी जाए अँ निकली जाए वर्गमूल पर निकली जाए। हवे विद्यार्थी मित्रों बने ने छेद अलग अलग आपी आपणे तो बने ने छेद अलग अलग आपो तो हवे शुं थशे विद्यार्थी मित्रों जोईए बराबर ना बराबर बेने छेद अलग आपीए तो वन अपोन कोस ए प्लस साइन ए अपोन कोस ए चलो वन अपोन कोस एटले शुं थशे sec a અને સાઇન અપોન કોસ એટલે શું થશે ટેન એ તમે જોઈ શકો છો sec a પ્લસ ટેન એ sec a પ્લસ ટેન એ બરાબર શું સાબિત થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો જબા। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે છેદનો અનુબધ લેતા અનુબધ એટલે જે પદ હોય એ જ પણ નિશાની વિરુદ્ધ પ્લસ હોય તો માઇનસ લેવાની માઇનસ હોય તો પ્લસ તો અહીં માઇનસ હતા એટલે પ્લસ લીધા ઉપર નીચે ગુણ્યા ઉપર ઉપરનો ગુણાકાર કર્યો નીચે નીચે ગુણાકાર ઉપર તો હોલ સ્ક્વેર થાય બે કૌંસ સરખા છે નીચે બે સરખા નથી એટલે એ પ્લસ બી એ માઇનસ બી એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર વન માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એટલે કો સ્ક્વેર વર્ગ અને વર્ગમૂળ ગયા બંનેને છેદ અલગ અલગ આપ્યા એટલે વન અપોન કોસ એટલે sec અને સાઇન અપોન કોસ એટલે ટેન તો અહીં આપણને જમણી બાજુ સાબિત થઈ ગઈ। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સાતમો દાખલો લઈએ सातमा दाखला में अपने पूछे डाबी बाजू में साइन थीटा माइनस टू साइन घन छेद में टू कोस घन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर डाबा। अहीं विद्यार्थी मित्रों तमे जुओ डाबी बाजू अपने आपी है जमणी बाजू शू आपणे साबित करवानी छे तो के टेन थीटा खाली टेन थीटा साबित करवानुं छे विद्यार्थी मित्रों टेन थीटा एवं साबित करवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों पहला तो बंने माथी जे काई कॉमन निकले छे ने आपणे कॉमन काढी नाखीए बंने माथी शुं कॉमन निकले छे ए तमे जोई शको छो अंशना पेदमांथी साइन कॉमन निकले ने छेदमांथी कोस कॉमन निकले जो अहींया एक वार साइन छे अहींया त्रण वार छे एटले एक वार साइन कॉमन काढी नाखीए साइन कॉमन काढ्या एटले वन माइनस अहीं टू अहीं शुं थशे साइन स्क्वेर थीटा घनमांथी एक वार शुं थई गयुं साइन कॉमन काढ्या छेदमां सेम इज रीते कोस कॉमन काढो कोस थीटा टू कोस स्क्वेर थीटा माइनस वन।
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સાઈન થીટા ને અપોન કોસ થીટા કરો એટલે ટેન મળે, તો આપણે આટલું જ જોઈએ, આ પદ જોતું નથી, પણ આ પદ તો સમાન નથી, તો ચાલો સમાન કરીએ, કા અંશમાં સાઈનને કોસમાં ફેરવીએ અને કા છેદમાં કોસને સાઈનમાં ફેરવીએ, બેમાંથી એક જગ્યાએ ફેરવવાનું, માટે સમાન કૌંસ આવી જાય, તો આપણે અંશમાં ફેરવીએ, બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સાઈન સ્ક્વેર થીટા તો હું લખાય વન માઇનસ કોસ સ્ક્વેર થીટા, એટલે આના જે ઉપર હમણાં આવી જશે, બરાબર ના બરાબર, જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો સાઈન થીટા એમને મોટો કૌંસ કરીએ, વન ના વન માઇનસ ના માઇનસ, ટુ ના ટુ, અહીંયા સાઈન સ્ક્વેર થીટા તો કે વન માઇનસ કોસ સ્ક્વેર થીટા, મને કેમ ખબર પડી કે સાઈનને કોસમાં ફેરવા, કારણ કે આ કૌંસ આપણે જોતો નથી, ઉડાડવો છે એટલા માટે, છેદ તો એમને જ રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાં છેદમાં ફેરફાર કરો અને કાં અંશમાં ફેરફાર કરો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એને ગુણી દઈએ, સાઈન થીટા એમને કૌંસમાં જોઈએ, વન ના વન માઇનસ ના માઇનસ, બે એકુ બે થશે, અને અહીંયા આ માઇનસ બે ની અરે ગુણાય એટલે પ્લસ ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા થશે, છેદમાં જોઈએ કોસ થીટા ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ વન, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જુઓ એકમાંથી બે જાય એટલે માઇનસ એક વધશે, જુઓ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અંશ અને છેદનો કૌંસ સરખો આવી, જુઓ તમે પહેલાં ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા લખવું, ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા બે એકમાંથી બે જાય એટલે માઇનસ વન છેદમાં કોસ થીટા ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ વન, હવે તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બંને કૌંસ સમાન એટલે શું થશે, ઉડી જશે, તો શું વધ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો સાઈન થીટા અપોન કોસ થીટા, એ તો તમે જાણો છો સાઈન અપોન કોસ એટલે શું થશે ટેન થીટા, બરાબર શું આવી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો જમણી બાજુ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પણ એકદમ ઇઝી ને સરળ દાખલો છે, ફક્ત બેમાંથી સાઈન કોસ કોમન કાઢ્યા છે, સાઈન કોસ કોમન કાઢ્યા પછી આ કૌંસ ઉડાડવા પડે, તો બેમાંથી એક જગ્યાએ ફેરફાર કરી નાખો તમે, કાં સાઈનને કોસમાં ફેરવી નાખો અને કાં આ કોસને સાઈનમાં ફેરવો, એટલે મેં છે ને આ સાઈનને કોસમાં ફેરવ્યા એટલે શું થાય વન માઇનસ કોસ સ્ક્વેર, પછી આ માઇનસ ટુ ગુણી દીધે એટલે શું થયું માઇનસ ટુ ગુણ્યા વન એટલે માઇનસ ટુ, માઇનસ ટુ ગુણ્યા માઇનસ એટલે પ્લસ ટુ કોસ સ્ક્વેર, અને પછી અહીંયા તમે જુઓ તો ઉપર નીચે સરખા જ પદ આવી ગયા, અહીંયા તમે જુઓ ટુ કોસ સ્ક્વેર પહેલાં લખ્યા અને એકમાંથી બે જાય એટલે માઇનસ એક વધે, તો અહીંયા બંને કૌંસ શું થયું ઉડી ગયું એટલે સાઈન અપોન કોસ વધ્યા, સાઈન અપોન કોસ એટલે શું થશે ટેન થશે, જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પોઈન્ટ નંબર છ અને સાત બંને જોયા, આની પહેલાં પાંચમો પોઈન્ટ જોઈએ એટલે પાંચ છ અને સાત એને વ્યવસ્થિત આપની નોટબુકમાં લખી લેશો જેથી કરીને આપને ખ્યાલ આવે અને બે થી ત્રણ વખત લખશો તો જ તમને આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવડશે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ, આ બાકીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં બાકી રહેતા ત્રણ પોઈન્ટ આઠ નવ અને દસ એનો આપણે અભ્યાસ પછીના લેક્ચરમાં કરશું, અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત.